दो सगी बहनों की शादी, पिता का साया नहीं। सिद्धि विनायक समिति देवदूत बनकर पहुंची। समिति ने चांदपुर पहुंच बेटियों की शादी के लिए सामान भेंट किया। खबर पोहरी से आ रही है। सिद्धि विनायक सेवा समिति द्वारा 9 वर्षों से लगातार स्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराती है, जहां इस वर्ष भी समिति द्वारा 11 मार्च को 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें कारणवश एक जोड़ा उपस्थित नहीं हो पाया जिसकी आवश्यक सामग्री रखी हुई थी। समिति के सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी शादी समारोह में किसी गरीब कन्या की शादी में उपहार स्वरूप सामान भेंट किया जाएगा। जहां समिति के सदस्यों की जानकारी मिली कि छर्च क्षेत्र के चांदपुर गांव में कुशवाहा समाज की 2 बेटियों की शादी है और इन बेटियों के सिर से उनके पिता का 6 वर्ष पहले हार्ट अटैक से साया उड़ गया। जहां समिति के सदस्यों ने शेष बची सामग्री को चांदपुर गांव लेकर पहुंचे और बेटियों की मां रामाबाई एवं चाचा मंगल सिंह को भेंट की, जहां आगामी 22 अप्रैल को 2 बेटियों की शादी हो रही है जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। वहीं समिति के सदस्यों द्वारा 11,000 रुपये नकदी दिए गए। मौके पर महेश शर्मा, गिरिराज राठी, गिरिराज सिंगल, धर्मेंद्र सिंह, जगदीश गुप्ता, मोहनलाल कुशवाहा आदि कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हम हर वर्ष एक सिद्धि विनायक, हमारी समिति सिद्धि विनायक समिति द्वारा हर वर्ष एक सम्मेलन करा करते हैं जिसमें 21 जोड़े शामिल होते हैं, निःशुल्क होता है पूर्णतः। तो 11 मार्च को हमारा नवा सामूहिक विवाह सम्मेलन था जिसमें किसी कारणवश एक जोड़ा नहीं आ पाया था, वो सामान हम पर बचा हुआ था। हमें कुछ लोगों ने बताया कि चर्च के ग्राम चांदपुर में 2 गरीब कन्याएँ हैं, तो हमने उसकी जानकारी ली। जानकारी लेके हम सामान लेके गए, उन दोनों लड़कियों की शादी के लिए जो सामान था वो 11,000 रुपये नकद और बाकी राशन जो भी खाने पीने का सामान सारा लेके हमारे समिति के सब सदस्य गए और सब लोग देखे आए और सब लोगों में बड़ी खुशी थी और कामना करते हैं कि आगे भी हम सिद्धि विनायक समिति हमारे ऐसे ही कार्यक्रम करती रहे और ऐसे ही कार्य करती रहे।